नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मेरे पीछे जो आप आग का तांडव देख रहे हैं, आग का तांडव देखने को मिला राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में। ये आग अब बेकाबू हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आग ये अब बुझेगी कब। पांचवी मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है। कई रिकॉर्ड, कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। करोड़ों का फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गया। राज्य सरकार ने आग लगने की वजह बताई है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आई है। आग बुझाने में सेना जुटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर सर्विस तैनात है, बीएचईएल की टीम भी लगी हुई है, सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने एक जांच कमेटी बनाई है जो प्रारंभिक कारणों का पता करेगी। आग लगने के प्रारंभिक कारणों का पता करेगी कमेटी, और ये कमेटी रिपोर्ट सीएम शिवराज को सौंपेगी। कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अरबन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह, एडीजी फायर को शामिल किया गया है। ये सब मिलकर रिपोर्ट सीएम शिवराज को सौंपेंगे। रिपोर्ट बनाएंगे जांच करने के बाद, और रिपोर्ट सीएम शिवराज को सौंपी जाएगी। और खबर यह भी है कि सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री से बातचीत भी की कि हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछारें हो आग पर और आग बुझ सके। तो काफी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका, और बड़ी वजह सामने आ चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आई है, और सीएम शिवराज लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घटना पर नजरें बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री से उन्होंने बातचीत की है। रक्षा मंत्री से बात कर आग बुझाने एयरफोर्स की मदद मांगी है। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को आदेश दिया है, आज रात AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचेंगे। सतपुड़ा भवन में ऊपर से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ हालात अभी फिलहाल जान लेते हैं। घटनास्थल पर मौजूद हैं सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या देख रहे हैं आप अभी, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी हालांकि जो आग पर है कुछ हद तक काबू पा लिया गया, मगर आपको फिर भी ये चिंगारियां उठती हुई नजर आ रही होंगी। ये इस बात का सबूत है कि अभी आग भड़की हुई है और आग लगातार लगी है। पिछले अगर बात करें तो 7 से 8 घंटे हो गए हैं। न्यूज 18 लगातार कवरेज कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेन चौहान जी भी हमारे साथ है। आपका क्या लगता है, आकलन इस आग को बुझने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, 4 बजे आग लगी थी और अब तक 10 बज चुका है, और हम ये बता सकते हैं कि इसमें कम से कम 1 से 2 घंटा और लग सकता है, क्योंकि जिस तरह आग है, आप देखिए कि हम पहले ही अंदेशा हमने जताया था कि जो बीच वाला टावर है, जो पहले पिछले हिस्से से आग शुरू हुई थी और उसके बाद अब वो उसके पीछे जाकर टावर में आग तो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये वो टावर, ये जो टावर है ये बीच में सेंटर में है। अब ये पूरा टावर धधक रहा है, और जिस तरह टावर धधक रहा है आप उससे कल्पना कीजिए कि आग और विकराल रूप ले रही है और आगे की तरफ जा रही है। तो बार बार खबर है कि सेना की मदद, तो सेना तो मौजूद है, मगर क्या हेलीकॉप्टर वगैरह, आपको लगता है कि आग पर अब जाकर कुछ बुलाया जाएगा? हाँ, देखिए अभी बात आई थी यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री पुलिस भी आ चुकी है, और अभी ये सूचना भी मिली है कि हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा सकती है। हालांकि अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है या ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन सब तमाम मॉनिटरिंग करना सबसे बड़ी बात यह है। जैसी खबर मिली थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे समय इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सभी मातहतों को, प्रशासनिक अमले को, सभी को मुस्तैद रहने के और तुरंत मौके पर अलर्ट रहने के वो तमाम तरह के प्रयास वो खुद नजरें रखे हुए हैं। एक जांच कमेटी भी बना दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको लेकर। बिल्कुल, देखिए इस तरह की बातें आ रही थी या कांग्रेस की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें उठा दी गई थी, लेकिन ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही जांच के निर्देश दे दिए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जांच के कारणों का पता लगाया जाए और अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। अभी हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे, पर जांच में सब चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल, तो हम आपको फिर से हमारे कैबिनेट पर्सन सहयोगी से कहेंगे अजय तंवर से कि वो दृश्य दिखाए, क्योंकि इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी का। ये लगातार उस 6 घंटे से कंटिन्यू आग पर नजर बनाए हुए हैं। आग फिर भी भड़क रही है, आपको देख रहे हैं ये 5वां 6वां माला, और उस तरफ भी हर चारों तरफ से आग अपने आप को अभी जलाए हुए रखी है। आग अभी
जिंदा है और इसने कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आग को, हालांकि किसी तरह की आग जनी में किसी तरह की कोई जनहानि की घटना नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी राहत की काम है बात है और अधिकारियों को निकाल दिया गया है। फाइलें जरूर कुछ दस्तावेज चले मगर उनको रिकवर कर लिया जाएगा क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है सारी चीजों को, मगर कह सकते हैं फिर भी ये जो आगे इसकी जांच को लेकर एक कमेटी बना दी गई है, जल्दी उस पर जो फैसला जाएगा। सेना देखिए पूरी तरह से मुस्तैद है, सेना की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है हर चीज पर। ठीक है जितेंद्र, मैं अभी आपको रोकना चाहूंगा, जितेंद्र मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री से बातचीत की है मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि आग पर काबू पाया ही नहीं जा सका है अभी तक। जो हमारी दमकल की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई हैं। अब रक्षा मंत्री से बातचीत की है सीएम शिवराज ने, हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराया जाएगा ऊपर से। अनुराग बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आग बेकाबू हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ केंद्रीय रक्षा मंत्री से चर्चा की है बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की और इसके केंद्रीय गृह विभाग से भी राज्य सरकार ने मदद मांगी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री ने अब मध्य प्रदेश के लिए तत्काल हेलीकॉप्टर रवाना करने के निर्देश दे दिए हैं। AN-32 और MI-15 हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग के ऊपर से पानी छिड़काव किया जाएगा, केमिकल का छिड़काव किया जाएगा और उसके जरिए अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बात की थी और उसके बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो हेलीकॉप्टर है वो मौके के लिए रवाना होंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि कई और अहम जानकारी है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, वहां पर वो लगातार बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री से, उनकी बातचीत हुई है और केंद्रीय गृह विभाग से भी मुख्यमंत्री ने मदद मांगी है। तो कुल मिलाकर जो राज्य सरकार की तरफ से कोशिश है वो लगातार की जा रही है और मुख्यमंत्री निवास पर अभी बैठक चल रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और सीएम शिवराज के साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो पूरे हालात को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, न सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर बल्कि केंद्र सरकार की मदद से भी कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है इसको लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो सरकार काफी गंभीर है और सीएम शिवराज लगातार नजरें बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो चुकी है उनकी, रक्षा मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है, हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से पानी गिराया जाएगा। एक बार फिर से घटनास्थल का रुख कर लेते हैं, सहयोगी जितेंद्र शर्मा वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आग को लगे काफी समय बीत चुका है, आप भी घटनास्थल पर काफी समय से मौजूद हैं, लगातार आप भी नजरें बनाए हुए हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। जानना चाहूंगा आपसे जितेंद्र कि परेशानी कहां आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिससे 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन आग अभी भी लगी हुई। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें आग के कारणों पर काबू न पाने की जो मुख्य 3 वजह है वो ये है कि एक तो हाई राइज बिल्डिंग है और वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। एक जो वाटर कैनन आई थी वो थी एयरपोर्ट की, जिससे हाइड्रोलिक वाटर प्रेशर डाला गया जिससे आग पर काबू पाया गया। अगर बात करें तो अब देखिए मंत्री विश्व सारंग भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री विश्व सारंग भी पहुंचे जायजा लेने। सर, जायजा लेने पहुंचे हैं आप? हाँ जी, सब प्रयास चल रहे हैं और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और सभी नियंत्रण में आए, हर तरह के प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद आया माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमें उम्मीद है जल्द से जल्द हम कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं मंत्री विश्व सारंग मौके पर पहुंचे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेना का हेलीकॉप्टर कब पहुंचेगा मंत्री जी से अगर आप बात करें इस बारे में तो प्लीज? जी जी, एक बार और हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ सेना का हेलीकॉप्टर आने की कुछ अपडेट है सर आपके पास? हालांकि अभी वो बिजी हैं, बात कर रहे हैं अधिकारियों से, जायजा ले रहे हैं, मगर बात करें तो यहाँ पर आप करें कमिश्नर भोपाल भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार हर चीज पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर पहुंचे हैं, आग का जो अभी है उसका जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस आयुक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं,
साथ ही मंत्री विश्वास सारंगी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर नजर आ रही होंगी। आग के कारणों का जायजा ले रहे हैं और यहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपडेट दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद वो यहां पहुंचे हैं घटनास्थल पर, जहां पर सतपुड़ा में आग लगी है और हर चीज का जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद अभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि सेना के जो हेलीकॉप्टर है उन्हें कब बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्त भी साथ में है, मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं। पूरी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाए जा रहे हैं। हर एक तरफ से घूमकर जायजा लेकर ये अपडेट लिया जा रहा है, क्योंकि आग लगी है उस पर कैसे करके और काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि सेना भी पहुंची थी। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जो विभाग हैं वो भी उनकी टीम पहुंची थी, मगर आग जो भी है अभी तक भड़की हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए किस तरह से और फोकस किया जाए ताकि ये जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हैं, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख सकते हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर हरिणचारी भी मौके पर है, उनके साथ जायजा लिया जा रहा है। आग का वो हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, पांचवें छठवें फ्लोर पर आग भड़की हुई है लगातार। इस पर काबू पाने के लिए किस तरह से और प्रयास किए जाएं, क्योंकि फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां पर वो गृहमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भेजा है, वो यहां पहुंचे हैं, हर चीज का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एक बारीकी से जो अधिकारियों से अपडेट लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बताएंगे कि आखिरकार अब तक कितना काम हो चुका है और क्या चीजें हो रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी है और इससे सियासत भी भड़क गई, तेज हो गई। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि कमीशन के एविडेंस मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई है, कांग्रेस ऐसा कह रही है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखो सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। मध्य प्रदेश के वासियों, क्या हमारे मुख्यमंत्री से ये जवाबदेही नहीं कि पिछली बार जो आग लगी थी उसके दोषी कौन थे, कितने को सजा दी, किसको इसके लिए दोषी ठहराया गया, आरोपित किया गया, मुकदमा चला गया, जेल भेजा गया, एक भी नहीं। फिर आग लगी है, किसने लगाई आग, क्यों लगी आग, इसके कारणों पे जाएंगे ही नहीं। आगे बढ़ेंगे बात कुछ और खबरों की। बिलासपुर से खबर है जहां रतनपुर पीड़िता के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पीड़िता की मां पर लगा आरोप फर्जी निकला है, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, बच्चे से यौन शोषण की कहानी झूठी निकली है। पुलिस ने कोर्ट में मामला खारिज किया है, मामला खारिज करने की अपील की है पुलिस ने कोर्ट में। शिकायतकर्ताओं की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, आरोपी आफताब मोहम्मद के परिजन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पीड़िता को प्रलोभन दिया गया था, प्रलोभन को स्वीकार नहीं करने पर मामला दर्ज हुआ था पॉस्को एक्ट का। इस वक्त की बड़ी खबर रतनपुर पीड़िता के मामले से जुड़ी हुई, पीड़िता की मां पर लगा आरोप फर्जी निकला, गलत साबित हुआ, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, बच्चे से यौन शोषण की कहानी झूठी निकली, पुलिस ने कोर्ट में मामला खारिज करने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, एक नया मोड़ इस केस में। देखिए सुमित, पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और बालक के साथ जो लैंगिक अपराध के जो मामले आए थे रतनपुर में, पीड़िता की मां को पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज के अंदर किया गया था, वो पूरी कहानी है वो झूठी निकली है। और पुलिस ने बवाल मचने के बाद इस मामले में एक जांच टीम एडिशनल SP की अगुवाई में गठित की थी और जब टीम ने इसकी जांच की तो पूरी जो कहानी है वो झूठी साबित हुई और अब मामले को कोर्ट में खारिजी के लिए पेश किया गया है। बड़ी बात यही है, उल्लेखनीय बात यही है सुमित, कि खारिजी के लिए जब मामला जाएगा तो उसके बाद कोई भी इस पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, न ही इसको आने वाले समय में विवेचना हो सकेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट से ही खारिज जब हो जाएगा तो इसमें कोई भी अपराध होगा नहीं। अगर खात्मा होता तो बात अलग था, जनरली खात्मा जो है सबूत के अभाव में होता है, लेकिन ये पूरी जो कहानी है ये मनगढ़ंत निकली। पहले उन्हें प्रलोभन देने की नीयत से इस तरह के जो प्रयास किया गया था
और उसके बाद जब प्रलोभन से बात नहीं बनी तो ये साजिश के तहत अपराध बंदीबस्त कराया गया है और इसका पूरा खुलासा फिलहाल जांच रिपोर्ट में हुआ है। अभी पुलिस ने एक जानकारी जो साझा किया है, एक प्रेस नोट जारी किया है जिससे इस ये खुलासे का पता चला है। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बैतूल में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। समता एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। चोरी के संदेह में यात्रियों ने युवक को पीट दिया। घायल युवक को आमला स्टेशन पर उतारा गया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायपुर के रहने वाला युवक नागपुर से उज्जैन जा रहा था। ये आमला आरपीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। नागपुर से आमला के बीच ये वारदात हुई। तो समता एक्सप्रेस में युवक की बेरहमी से पिटाई हो गई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।